हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड वेलकम टू एजुकेटी। हमने एंटरप्रेन्योरशिप की नई सीरीज स्टार्ट की है। फर्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इन एनवायरमेंटल स्कैनिंग, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। दो क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्कैनिंग से ही पता लग रहा है कि वी आर डिटेक्टिंग समथिंग, देख रहे हैं हम चीज़ों को, स्कैन कर रहे हैं क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। बिजनेस एनवायरनमेंट में भी वेट अ मिनट, ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट में भी डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड फोर्सेस एक्सटर्नल टू अ बिजनेस यूनिट अंडर विच इट ऑपरेट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि ऑब्वियसली एनवायरनमेंट जहाँ पे आ गए, यू आर सराउंडेड विद द एक्सटर्नल फोर्सेस। बाहर के कुछ फैक्टर्स हैं, हम एनवायरनमेंट भी बाहर ही होता है, तो वो कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा और उसमें बिजनेस कैसे ऑपरेट करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट इमर्ज एंड ग्रो स्पॉन्टेनियसली, रादर इट इज डिपेंडेंट अपॉन सेवरल इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड अदर फैक्टर। देखिए, बिजनेस का आपका आइडिया अच्छा है, प्रीवियसली आपने डिस्कस किया था, आइडिया अच्छा है, आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, नीड भी है उसकी सोसाइटी में और कस्टमर्स हैं उसके। आप अगर लॉन्च करेंगे तो आप उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल या कोई अदर फैक्टर एनवायरनमेंट का काम नहीं कर रहा, तो फिर आप उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपका आइडिया इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, अच्छा है, प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके बाद भी देर आर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, तो हमें वो चीज़ भी चेक करनी है। व्हाट इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग? केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं फॉर अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स दैट मे इन्फ्लुएंस इट्स करंट एंड फ्यूचर प्लान। देखिए, आपने मॉनिटर किए एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या इंटरनल फैक्टर हैं, क्या क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं, फिर आपने देखा कि ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं और उसके हिसाब से हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज है फर्दर एंड क्या आपके थ्रेट्स हो सकते हैं, तो वो सब आप इवेलुएट करके चल रहे हो। क्योंकि हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ना कर रही हो, बाहर की कोई लीगल चेंज हो गया है, कोई सोशल चेंज हो गया है, उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट में इशू हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सभी फैक्टर्स को, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, उनको अच्छे से थरेली मॉनिटर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उनका इन्फ्लुएंस आपके करंट और फ्यूचर प्लान्स पे क्या है। देखिए, एक ट्रू एंटरप्रेन्योर ये सब चीज़ें देखेगा। बिजनेस अच्छा आइडिया, बिजनेस आइडिया अच्छा होने से काम नहीं चलेगा, आपको आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से भी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो इफ यू आर डूइंग इट इन योर बिजनेस, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली अच्छा चलेगा, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। हमने देख लिया कि यहाँ पे हम सारे फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, व्हाई डू वी नीड टू स्कैन आवर एनवायरनमेंट, हमें हमारे एनवायरनमेंट को स्कैन करने की जरूरत क्यों है। देखते हैं, इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट वन रूल थंब अप्लाइज कि इफ यू डोंट अडॉप्ट यू डोंट एंडर। देखिए, जो भी आपके आसपास हो रहा है उसके हिसाब से आपने अडॉप्ट नहीं किया तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। दिस इज द कोर आइडिया बिहाइंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एक आप अगर देखें कि हम पुरानी मूवीज में, ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि एम्बेसडर कार्स वर वेरी फेमस जब इंडिया में आई थी, उसका उसका उस कार का इंजन बहुत अच्छा था और वो आज की कार्स भी उतना आई गेस माइलेज नहीं दे पाती। आई एम नॉट करेक्ट अबाउट द फैक्ट, लेकिन पॉइंट है, स्टैट्स मेरा कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी गाड़ी थी, एक एम्बेसडर बहुत फेमस थी अपने टाइम पे। बट उन्होंने क्या किया, देवर वेरी रिजिड और उन्होंने चेंजिंग एनवायरमेंट को अडेप्ट नहीं किया और चेंजेस नहीं लेके आए वो, और उसकी वजह से ये हुआ कि आज एम्बेसडर बंद है। लेकिन हाँ, एक दो साल में शायद वो रीलॉन्च हो रही है। बट माई होल पॉइंट इज कि अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे एनवायरमेंट को, आप अपने हिसाब से चलेंगे, तो आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दिस इज अ कोर आइडिया बिहाइंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग, और यही इसी वजह से हमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग का जो कोर है वो यही है। डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स रेफर टू मीन्स बाय विच ऑर्गेनाइजेशन गैदर इंफॉर्मेशन ऑन चेंजिंग कंडीशन एंड इनकॉर्पोरेट दोज ऑब्जर्वेशन इन टू प्रोसेस वेयर नेसेसरी चेंज आर मेड। देखिए, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, क्या क्या कंडीशन चेंज हो रही हैं, और उन सब ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करके अपने बिजनेस के हिसाब से क्या क्या वो प्रोसेस करेंगे जो जो उनके हिसाब से नेसेसरी है। तो वो देखते हैं कि ये चीज़ें चेंज हैं, ओके, ये कंडीशंस हैं, हमने सारा डेटा इकट्ठा किया,
फिर हम देखेंगे कि ओके हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है उसका, एंड देन इफ इट इज नेसेसरी हम अपने जो भी पार्ट ऑफ प्रोसेस है बिजनेस का उसमें वो चेंजेस लेके आएंगे और उन चेंजेस को यू नो कंसीडर करेंगे. द राइट इंफॉर्मेशन कंबाइंड विद राइट अडेप्टेशन कैन डिटरमाइन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर वायबिलिटी. देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन सही है सबसे पहली बात, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत नहीं हो ऑब्वियसली, तो इन्फॉर्मेशन इज राइट और उसके हिसाब से अगर आपने राइट अडेप्टेशन, ठीक है जी ये चेंज आने वाला है लीगल चेंज, हम उसके हिसाब से ये कर लेते हैं, तो अगर आप अपने बिजनेस में राइट अडेप्टेशन कर रहे हैं तो आपका जो फ्यूचर है आपका वायबल है, लंबे टाइम तक चलेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू आर यू नो कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर. दैट्स वाई कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर इज वेल नोन वेल रेड. आपको देखना, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है इन्वायरमेंट में, तभी न्यूज वगैरह वो लोग ज्यादा देखते हैं, एंड क्या क्या चीजें हो रही हैं आपने उनको ऑब्जर्व किया है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं. आपको इफ यू आर वेल रेड, आपको पता है वेल नोन, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज बहुत सी चीजों में मिलेगा, क्या इन्वायरमेंट में चल रहा है उसके हिसाब से. अगर इफ यू नो इफ एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट स्कैनिंग हिज और हर बिजनेस ही शी इज श्योर टू फेल. ठीक है इफ यू आर नॉट अवेयर तो ठीक है आप अपना कुछ भी करते रहे बाहर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो कैसे होगा. अब कितने सारे चाइना के साथ हमारे कह रहे हैं कि ये बंद होगा वो बंद होगा, अगर आपका रॉ मटेरियल वहीं से, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, अभी तो वैसे बिजनेस हमारा बड़ा ही है, लेकिन अगर आपका रॉ मटेरियल सपोज चाइना से आ रहा है और चाइना के साथ हमारा बिजनेस, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, बंद हो गया और आपको ये बात पता ही नहीं है, तो आपका रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से. इसीलिए ये छोटे छोटे फैक्टर है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फैक्टर आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है, सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंटल फैक्टर इज क्रूशियल फॉर एन एंटरप्रेन्योर. देखिए आपका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है अगर आप उसके प्रति सेंसिटिव हैं तो आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, इफ यू आर इग्नोरिंग दैट फैक्टर तो नहीं जा सकता. इफ अ कंपनी इज एबल टू अडेप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट इट वुड सक्सीड इन द लॉन्ग रन. आप इन्वायरमेंट के हिसाब से चल रहे हैं आप सक्सेस अचीव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सोनी इज फेलिंग टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग ट्रेंड इन मोबाइल फोन एंड देयर फॉर लूजिंग इट्स मार्केट. सोनी के साथ ये हुआ था, अच्छा खासा इसका ब्रांड था, इसके फोन चलते थे सोनी के, बट नहीं किया तो उनका मार्केट उन्होंने लूज कर दिया. द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेवेंट इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस आर नंबर वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अगर आप इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है और उन अपॉर्चुनिटीज को आप ढूंढ सकते हैं जो आपसे पहले किसी ने नहीं की. बाय कीपिंग इन टच विद द चेंजेस इन इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल एन्वायरमेंट एंड एंटरप्राइज कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड फाइंड स्ट्रेटजीज टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी एट द अर्लीस्ट. वो देखिए यहाँ पे इंटरप्राइज उनको आइडेंटिफाई करेगी, कोई ना कोई स्ट्रेटजी उसको बना लेंगे ताकि उस अपॉर्चुनिटी को वो जल्दी से जल्दी ग्रैब कर सके. वोल्वो जो थे स्वीडिश ब्रांड है, हमें वोल्वो की बसेस हमने देखी होंगी, लग्जरी बसेस होती हैं ऑब्वियसली, हैज 74% शेयर इन द लग्जरी बस सेगमेंट एज इट हैड एंटर्ड इंडिया अर्ली. उन्होंने देखा इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड है ही नहीं, चलो हम चलते हैं, और उन्होंने इस फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट लिया एंड नाउ सी 74% शेयर जो लग्जरी बसेस में है वो वोल्वो का है. फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट. ओके क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं आप मार्केट में देख सकते हो अगर आप इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं तो. दे कैन सर्व एज द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी टू काउंटर थ्रेट्स एंड कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट. देखिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज पॉलिसी बना सकते हैं. अगर आप इन्वायरमेंट को अब कीन आए आप यू आर पुटिंग ऑन इट, तो उसमें आपका क्या होगा कि आपको पता लगेगा ये थ्रेट आने वाला है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है तो हम उनको ओवरकम करते हैं, अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब करते हैं. ये दोनों चीजें आप कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज. Tapping useful resources. If the company has thorough knowledge of external environment, it can tap raw material, technology, and even financial resource from the market at economical price at the right time. आपको पता है ये वाला change market में आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है इस चीज की raw material की supply थोड़े time के लिए बंद हो जाएगी या कोई भी factor है. Suppose करते हैं हम raw material बंद हो जाएगा एक ABC brand का. ठीक है, अब उनको ये बात पता है आने वाले 3 मंथ्स में ये बंद होने वाला है, तो आप क्या करेंगे?
आप यहाँ पे पहले से ही अपना रॉ मटेरियल सेव कर लेंगे, ताकि जब उसकी कमी हो, बंद नहीं कहेंगे, हम सोच रहे हैं कि हम, चलो एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, रॉ मटेरियल की सप्लाई कम हो जाएगी आने वाले टाइम में, तो हमें पता है 3 मंथ्स के बाद ये होगा, हम पहले ही उसको क्या कर लेंगे, रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को टैप करके रख लेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। अब जैसे आने वाले टाइम में बहुत सी चीजें हो रही है, जैसे बायोफ्यूल की बात हो रही है, उसके लिए एक एथेनॉल एक प्रोडक्ट है, जो एक बाय प्रोडक्ट होता है शुगर मिल्स का। ये आप अगर लेना चाहें तो, आपके इफ यू आर इंटरेस्टेड इन शेयर मार्केट, तो आप इसके शेयर्स भी ले सकते हैं। इट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस। तो उसमें क्या है कि बायोफ्यूल में आप एथेनॉल इज बीइंग यूज्ड, ओके, धीरे धीरे परसेंटेज गवर्नमेंट बढ़ा रही है, 10% 20% एथेनॉल यूज होगा। अभी 20% का आपका पास हो गया है, 10% पहले यूज हो रहा था। ये क्यों हो रहा है? ताकि आपका पेट्रोल और डीजल पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो, और इंडिया जो है, ये जो आपका पेट्रोल की वजह से जो इन्फ्लेशन है उसको कवर अप कर पाए। तो ये आप, अभी हमारी गवर्नमेंट इस चीज पे काम कर रही है। अब ये जो बायोफ्यूल आपका बनेगा, इसमें एथेनॉल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो एक बाय प्रोडक्ट है जितनी भी शुगर मिल्स हैं उनका, काइंड ऑफ वेस्ट है, जब वो बनाते हैं शुगर तो उसमें बनता है। अगर आज आप शुगर मिल्स जो वेरियस हैं फेमस, उनके शेयर्स लेके रख देते हैं, तो आने वाले टाइम में उनके शेयर्स बहुत बढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आपको ये बात पता है, तो इफ़ यू आर स्टोरिंग, इफ देर आर वेज टू स्टोर इट, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है, तो आप उसको, रिसोर्स को टैप कर सकते हो, आने वाले समय में यूज कर सकते हो। ये तो मैंने बेसिकली शेयर्स के पैटर्न में बताया कि ओके, इफ यू नो दैट, तो हम, चलो इसके शेयर खरीदते हैं और हमें इसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बिजनेस पॉइंट से ये है कि इस तरह की बहुत सी हजारों चीजें होती हैं। ये तो मैंने कैसे ही आपको करंट न्यूज मैंने देखी तो उसका आपको एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं हमारी, जो हमारे आसपास हो रही होती हैं, चेंजेस हो रहे होते हैं। अगर बिजनेस उन चीजों को अडेप्ट करता हुआ चले तो बहुत आगे जाएगा। ये चीज इन्होंने बताई, और वो अपने रिसोर्सेज को टैप करने में हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है आने वाले समय में ये चीज की अवेलेबिलिटी कम या ज्यादा होगी। उसके बाद है बेटर परफॉर्मेंस। अगर आप एनवायरनमेंट को समझते हैं तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नेसेसरी टू टेक टाइमली एक्शन टू डील विद थ्रेट्स एंड अवेल अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। देखिए, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है सभी एलिमेंट्स के, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, आप उसके बेसिस पे टाइमली एक्शन ले सकते हैं, थ्रेट को ओवरकम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेटर होगी। नेक्स्ट इज सेंसिटाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट टू कॉप अप विद रैपिड चेंजेस। अगर आप देखिए एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप समझते हैं, तो आप बेसिकली आप सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स इट। तो जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, चेंजिंग नीड्स ऑफ कस्टमर है, उन सब का आप ध्यान रखेंगे, एंड आप उस चीज को, जो भी एक रैपिड चेंज एकदम से इन्वायरमेंट में आया है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्ट करके उस जो भी चैलेंज है उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज 6 मार्क्स का। इमेज बिल्डिंग में हेल्पफुल है। इफ अ कंपनी इज सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इट विल कम आउट विद न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। आपको पता है, अब जैसे कोविड चल रहा है, कोविड था प्रीवियसली, तो अब हमें एक बात क्लियर हो गई कि आने वाले जो वॉर्स होंगे वो आपके वायरस और बेसिकली इसी से ही रिलेटेड होंगे। अब डायरेक्ट न्यूक्लियर वेपन्स तो चलने वाले नहीं है, तो अब हमें पता है कि हम, हमें इस तरह की चीजों पर रिसर्च करनी चाहिए, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। ये अब हमें एक पता लग गया है। अब आने वाले टाइम में कोई आप ऐसे प्रोडक्ट बना देते हैं और कुछ इस तरह की चीज होती है, तो आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या एक आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे इमेज बिल्डिंग का भी काम होता है। कितने सारी चीजें थी अभी कोविड में हमें पता लगा, जो एग्जिस्ट करती थी, जब वो यूजफुल हुई तो लोगों को मन में उनके प्रति एक अच्छी रिस्पेक्ट की तरह, या आप कहेंगे कि उस प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट हुई। दिस वुड बिल्ड द इमेज ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म इन द आइज ऑफ जनरल पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए, ये तो बहुत पुराना एग्जाम्पल दिया है, कॉल रेडियो टैक्सेस विद द एडिशनल फीचर लाइक GPS सिस्टम, ऑनलाइन बुकिंग। अभी ओला और उबर हैं जो हम बुक करते हैं, तो इनमें पहले ये देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी ना, कि ऐसा हमारे पास टैक्सी सिस्टम हो जिसमें आप ट्रैक भी कर सके, सेफ्टी फीचर भी हो, आपकी फैमिली को भी पता हो आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ प्रोवाइड की, एंड देखिए अब आज ओला उबर को कोई बीट नहीं कर पा रहा। ये दो ही ब्रांड, आप अगर आप कैब्स वगैरह बुक करते हैं तो इनके अलावा तीसरा कोई ब्रांड नहीं है, छोटे मोटे आ गए होंगे, बट इनकी इमेज बहुत अच्छी हो गई है। बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को,
अगर आप इन्वायरमेंट के को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, अकॉर्डिंगली न्यू प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की इमेज बहुत अच्छी होने वाली है। तो आई गेस आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आप ये ध्यान से कीजिएगा, बोर्ड्स में आपका ये एग्जाम आ जाता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं, वो कई बार पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर देम।